चाय भी बना लेती है, बनाना आता है, सब्जी भी बनाना आता है और सर्व भी करना आता है। तो ये जो पराठा है मेरी जिंदगी के टॉप 5 पराठों में से एक है। बाबू लास्ट खा लो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, सलीम को पिक करने जा रहा हूँ सिम्स। उसके बाद यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे रायपुर एयरपोर्ट, वहाँ पे सलीम को ड्रॉप करना है और वो चले जाएगा दिल्ली और मैं रहूँगा रायपुर में एक दो तीन दिन। वहाँ पे कुछ शूट वगैरह है, कुछ कुछ है, प्लान है, वो आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चल जाएगा, शायद इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, लास्ट में देख लेना। और अभी लेट हो रहा है, मोहित भी साथ में जाने वाला था बट अभी लेट हो रहे हैं तो मोहित को मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, वो बाद में। एक्चुअली धीरज भी यहीं से निकल रहा है बिलासपुर से रायपुर के लिए, तो धीरज और मोहित बाद में आ जाएंगे रायपुर, तो इस व्लॉग में शायद शाम को मिल जाएगा। और फिलहाल तो अभी मैं निकला हूँ, लेते हैं सलीम को, चलते हैं अब सीधे रायपुर में मिलेंगे हम लोग। फिलहाल तो अभी एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। एयरपोर्ट यहाँ से अंदर से लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में मतलब 200 मीटर में है। और सलीम यहाँ पे कुछ चेंज वेंज कर रहा है, अपना कपड़ा वपड़ा जो भी है और सब सामान जमा रहा है। और ये यहाँ से इसको छोड़ने के बाद ना कार भी वॉश कराना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही है। और मैं भी नहाया नहीं हूँ, मेरे को भी नहाना है, तो पहले देखते हैं, पहले कार को नहलाते हैं या खुद नहाते हैं। और फिर किसी ने लंच के लिए भी फ़ोन कर दिया है, तो अब मेरे को लगा था कि आज लंच में नहीं करने वाला हूँ बट आज लंच भी मिल रहा है तो आज लंच भी करेंगे। तो सलीम जा रहा है, बाय। रुको रुको रुको, ये वाला अपार्टमेंट ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। लिफ्ट में तो आ गया हूँ लेकिन मुझे डाउट है कि मैं शायद गलत बिल्डिंग में आ गया हूँ, क्योंकि हर बार मेरे को ऐसे लगता है कि मैं गलत बिल्डिंग में घुस गया हूँ। बट देखते हैं, अगर गलत बिल्डिंग में भी हो गए तो फिर किसी नए लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, और अच्छे अगर सही बिल्डिंग में रहेंगे तो भी देखते हैं। डाउट लग रहा है मेरे को। सही जगह आया हूँ, सही जगह। एक बार मैं फिर गरिमा जी के यहाँ आ गया हूँ, उन्होंने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था। हालांकि आज मैंने सोचा था कि मैं बस बिना कुछ खाए लेज और एपी पी के रह लूंगा, गर्म पानी या फिर कुछ भी नहीं, बताओ। तो बस यही लंच बन रहा है, पता नहीं क्या मसालेदार बना रहे हैं इन लोग, और बहुत ज़्यादा छीक आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या मिल रहा है आज लंच में। ओपन योर माउथ। ये इस एज के बच्चे ना ऐसे ही परेशान करते हैं। इथन भी अब परेशान करने लगा है, खाना नहीं खाता है और भागते रहता है। जल्दी खा लो, राइस खा लो। का फ्रेंड। हाय बोल दो, हाय। हाय बोलो बेटा। खाना खा लो। हेलो 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 हेलो। मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। देखा घर में कैसे चिल्लाती है गरिमा जी। मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? अच्छा रिकॉर्ड हुआ है सब, समझे? ऐसा क्या? हाँ ये क्या रिकॉर्ड हो गया? और फिलहाल इन्होंने मेरे लिए खाने में क्या बना यार है थोड़ा बताएंगे आप? ये सब्जी है जो कि बकवास था। ये फूलगोभी है, काला काला हो गया है। हाँ फूलगोभी, आलू और फूलगोभी की पत्ती और टमाटर भी ऐड है इसमें, कुछ कुछ मसाले भी ऐड हैं। और इधर दाल है, काला वाला दाल, पता नहीं जानते हो कि नहीं, उड़द दाल। काला लाल हो गया है? लाल नहीं हुआ है, ये भाभी बनाई है इसको। तो दाल को तो ये है हमारे लंच में, और इधर भी है इधर भी है अचार। ये मिल के बनाए हैं। Okay. ये हमारे घर का आम है, गांव का। Okay. तो अभी हम ये लंच करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गरिमा जी। नहीं, ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। आप मुझे कितना खाना खिलाती है, थैंक यू सो मच। फिर बताओ, क्योंकि सब्जी ऐसा मतलब मेरे से बनता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब लोग बाग नहीं खाते हैं आपकी। तो आज हम गरिमा के हाथों का बना सब्जी का रिव्यू करेंगे।
लास्ट खा ले, बस ये लास्ट लास्ट खा लो बाबू, लास्ट खा लो। यहाँ पे ये लोग सेल्फी वेल्फी लेते हुए, आपके महंगे फोन से भी लिए। अरे हाँ। ये लोग अरे कोई वे का फोन नहीं है, सस्ता फोन है। कहाँ है मेरा फोन? ये देखो गाइस मेरा फोन, और ये है मेरा फोन, तो मैं छुपा दूंगा। और ये है मेरा फोन, ठीक है, किसी को पता नहीं। तो इसमें ऐसा फोन आएगा और मैं ऐसे हर लोगों को बोलूंगी, माय गॉड, तो ये तुम्हारा तो सिर्फ आवाज आएगा, मेरा क्या वो वाला होगा, देख रहे हैं मेरे फोन में। अरे अरे रुको ना, मेरे ब्लॉग में ये तो पहली बार आ रहे हैं, तो अपना इंट्रो देंगे। अरे इंट्रो दो, हाय गाइस, फोन सटाओ। हाय गाइस, माय सेल्फ श्वेता एक्का, मेरे खानदान से इतना पास करते हुए। हाँ, मैं दीदी के खानदान से हूँ। कौन दीदी? मेरी माँ। अच्छा, एक एक का बहन बहन होते हैं। और वो और ये लकड़ा खानदान, ये लकड़ा खानदान, सीलू लकड़ा। ये मेरी बड़ी दीदी है, मैं जो कि हाइट में छोटी है। कोई बात नहीं, चलता है चलता है, ज्यादा खा गए। दीदी आजा, कैसे करते हैं? हाय गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ रहना एंड तक। अभी हम जा रहे हैं शूटिंग करने, तो कहीं मत जाइएगा प्लीज, हमारे साथ रहना। ये है हमारे दोस्त लोग, तो आप देख सकते हो, आइए पास से मिला। तो गाइस जस्ट मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था, और मेरे लिए कोई चाय लेके आ जा रहा है। ओ माय गॉड, इतनी सेवा, इतनी सेवा। तो ये सर्वगुण संपन्न है गाइस, चाय भी बना लेती है, आता है, सब्जी भी बनाना आता है, और सर्व भी करना आता है, और गाना गाना भी आता है, और थोड़ा बहुत एक्टिंग आ जाता है। दिख रही है एक्टिंग, दिख रही है, अब ओवर हो रही है। तो ये भाभी ने मुझे चीला और सॉस ला के दिया है, मेरा पेट भरा है, लेकिन फिर भी मैं ना इतना अच्छा दिख रहा था, मना नहीं कर पाया, तो मैं ठूस ठूस के खाने वाला हूँ। और गोडसन जी आ गए हैं, ब्लॉग में आए नहीं है लेकिन। अरे यार, तो मैं अभी नहा करके उठ निकला हूँ। 18 साल की उम्र के लड़के लग रहे हैं आप। अभी नहा के निकला हूँ और लेट से ही आया हूँ, तो अविनाश भैया आए हैं, बहुत अच्छा है। आज हम लोग का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कल के म्यूज़िक वीडियो के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग किस तरीके का वीडियो बनाते हैं, म्यूज़िक एल्बम बनाते हैं। जो गीत है वो मेरा ही है और संगीत भी मेरा ही है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है दोस्तों, तो बने रहिएगा। और ये पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के रखे हैं? स्क्रिप्ट मैं लिखा था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो मैं अविनाश भैया को बोला चेंज करो स्क्रिप्ट को, तो अविनाश भैया पूरा चेंज कर डाले इसको। नहीं नहीं नहीं, अभी काम हो रहा है स्क्रिप्ट पे, पहले अभी चीला पे फोकस करते हैं। स्क्रिप्ट को साइड में रखते हैं, आप खाना खाइए। हाँ, और मैं चीला खाता हूँ। ठीक ठीक। अरे यार, भाभी 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 थैंक यू चीला के लिए, थैंक यू। तो जस्ट चीला और सॉस में खा रहा था, और यहाँ पे हमारे भैया भाभी अभी पता नहीं है लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिनर है बोलो, जो लंच था उसको लोग डिनर कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी हम लोग और एक बार खाएंगे ना। अच्छा, डबल डिनर होगा। बाकी ये चीला ना भाभी बहुत अच्छा बनाई है, मेरी साइड से थैंक यू। एक्चुअली मेरे को मीठा चीला ही पसंद है, तो वो ज़्यादा मीठा भी नहीं है, हल्का मीठा है, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरा पेट भरा है, फिर भी आप समझ सकते हो कि अगर आप पेट भरा हो फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है टेस्ट में, तो कितना अच्छा हो सकता है। अंकिता को घर छोड़ दो, नहीं तो लेके चलो, ड्रेस पहन के देखेंगे ना, तो ठीक लग रहा कि नहीं, तो हम लोग गाड़ी में सीट लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, मैं बैठ जाऊंगी पीछे से। एक्चुअली अभी हम लोग बहुत लंबी मीटिंग की है, और रात के बज रहे हैं 10:15, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन देखने के लिए। अभी रात को 10:15 में थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हुआ इसलिए, और मोहित भी आ चुका है यहाँ पे। मैं मोहित गाड़ी में बैठने की चटाई निकाली, गाड़ी में बैठने की चटाई निकाली है, देखो। ओके, क्या अपनी गाड़ी जा रहे हैं? हाँ, उसमें ज़्यादा बड़ा जगह है ना। और ठीक है, चलते हैं। अंकिता ही है ना ये? हाँ, अंकिता कुजूर, और ये तो बिना कुछ बोले चली जा रही है, तो गाइस इनको छोड़ दीजिएगा, कुछ बोल के तो जाओ। अरे अपना इंट्रो दो, अपना इंट्रो दो। मेरा नाम अंकिता कुजूर, और वो तो मैं बता चुका हूँ। आप क्या करते हो? बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर, तो ये अभी हम लोग की
नई सॉन्ग की हीरोइन है। अरे मेरे को मत दिखाओ, नहीं को दिखाओ, तो मैं बता रही हूँ। तो मौसा जी अभी नया हिंदी सॉन्ग लिखे हैं, तो उनकी हीरोइन है ये, तो वीडियो आपको जल्द मिलेगा। और हमारे कैमरा मैन अविनाश भैया ही है। क्या हो गया? कंटेंट कंटेंट ऐसा ओहो ऐसा बैठना पड़ेगा। ठीक, और कौन कौन बैठ रहा है? अच्छा, अरे गरिमा जी बैठी है। अरे गरिमा जी प्लीज, हम लोग का बाबू मास्क लगाया है। ये अच्छा बच्चा है, हाय कर दो। और मास्क लगाओ, बोलो। यार ये हम लोग का छोटा सा फैमिली है, ये हीरो बाबू। तो एक्चुअली ये कैफे है और पीछे आप लोग लोगो देख रहे होंगे, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं अपन को, राग स्टूडियो। और इस कैफ़े में हम कल शूट करने वाले हैं, तो इस कैफ़े के बारे में कल के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डिटेल्स से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये कैफ़े वाकई में छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सारा डिटेल मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ से परमिशन लेके चले जा रहे हैं और यहाँ के जो स्टाफ हैं काफ़ी हम्बल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और क्या ही बोलूँ मैं, बाकी सारा डिटेल आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा कि हम यहाँ कल यहाँ क्या शूट कर रहे हैं। और अभी घर चलते हैं और बाकी वीडियो की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो ये जो पराठा है मेरी ज़िंदगी के टॉप 5 पराठों में से एक है। 1, 2, 3 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप 1 भी बोल सकते हो। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी पराठा है। इतना अच्छा पराठा है कि इस पराठे के साथ ना आपको चाय, ना आपको सब्जी, ना आपको चिकन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस पराठा खाओ, मतलब हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पराठा है। और ये ना, अगर आप लच्छा पराठा कभी खाए होगे ना, तो ये उसी टाइप का थोड़ा सा मोटा है, लेकिन एकदम ज़्यादा ऊपर के जो फर्स्ट लेयर है, ऊपर का फर्स्ट, नीचे का भी लास्ट वाला जो लेयर, वो थोड़ा सा क्रंची है, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है ना, 3-4 लेयर है, वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है और वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और उनके कहाँ चले गए वो? उठ के जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए उठ के जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले ये पराठा खा लेते हैं, उसके बाद जाके उनसे मिलाएंगे। ये बनाए हैं पराठा, और मेरे को रायपुर अब याद रहेगा तो इनके पराठे के नाम से याद रहेगा। और मेरे को जब भी खाने का मन करेगा तो मैं फिर आ जाना, है ना? मैं जरूर आऊंगा। हाँ, मेरी मिल्क चाहिए बाबू को। काला प्लास्टिक का मास्क, बहुत अच्छी मिल रही। चलो चलो, उतरो उतरो। अरे बहुत सारा सामान है यार। तो हमारी गाड़ी थोड़ी पैक है, पीछे डिक्की विक्की में भी बैठना पड़ता है ओवरलोड के टाइम पे। एक्चुअली पीछे सीट था, 7-सीटर है, बट वो सीट निकाल दिए थे तो पीछे मैट बिछा के बैठे हुए थे। अभी हम लोग वापस आ गए हैं गरिमा के घर, और यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि अभी सोना है, रात के 12 बज गए हैं। सुबह उठ के फिर शूट के लिए जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देखे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में रेड कलर का कुछ सब्सक्राइब लिखा होगा ना, उसको क्लिक कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।